नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन जिंको बाइलोबा के बारे में। हम जानेंगे कि इसको हम कौन सी डिजीज में यूज कर सकते हैं, इसके क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, साथ ही हम जानेंगे कि इसको यूज करने का सही तरीका क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं दिवेश यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम्योक्लिक पे। दोस्तों, ये मेडिसिन एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, यानी कि एक पौधे से तैयार की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, ये एज ए हेल्थ टॉनिक यूज की जाती है, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक थकान हो रही है तो वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा दोस्तों, ये एज ए एंटी एजिंग मेडिसिन भी यूज़ होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि कम एज के होते हैं, वो 25-30 साल के होते हैं, लेकिन उनको देख के लगता है कि इनकी एज 45-55 हो रही है। ऐसे लोग जिनकी कम एज में वो बहुत ज़्यादा एज के दिखने लगते हैं, उन पर भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा दोस्तों, ये मेडिसिन वैसो डायलेटर का काम करती है, यानी कि आपकी ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो रही है तो ये मेडिसिन उसको भी बढ़ाती है। हम बात करते हैं कि हमारे ब्रेन में इसका क्या असर होता है। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ जब आपको मानसिक थकान होने लगती है तो वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एज बढ़ने के साथ आपको एंजाइटी, टेंशन, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा चिंता होती है, और इंसोमनिया की कंडीशन आती है, यानी कि रातों में आपको नींद नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त में कमी होने पर भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। हम बात करते हैं दोस्तों आँखों में। अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है बढ़ती उम्र के साथ, तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। साथ ही साथ ही आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी बहुत ही अच्छा काम करती है। जैसे कि आपको, अगर आपका नर्वस सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है तो आपको पैरालिसिस की समस्या हो सकती है, तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। हम बात करें मस्कुलर पावर की, तो मेडिसिन आपके मसल्स पे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। यानी आपका अगर मस्कुलर पावर नहीं है, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, थोड़ा सा भी काम करते हैं आप थक जाते हैं, आप बैठे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा आपको अगर वीकनेस बनी रहती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है, तो भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा दोस्तों, सेक्सुअल ऑर्गन यानी कि जेनिटल ऑर्गन पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। ये आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है। मेल में हम बात करें तो अगर आपको इम्पोटेंसी की समस्या है, या फिर प्री मेच्योर इजेकुलेशन है, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, तो यहाँ पे मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। सेक्सुअल डिजायर की कमी हो रही है तो वहाँ पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करेगी। फीमेल में भी अगर आपको सेक्सुअल डिजायर की कमी हो रही है तो वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा दोस्तों, फीमेल में मेनोपॉज के टाइम पे, यानी कि जब इनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म होने लगता है 45-55 की एज में, तो वहाँ पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। मेनोपॉज के टाइम पे मूड स्विंग होना, यानी आपके हार्मोनल बहुत ढेर सारे चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा, और भी काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, तो वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा दोस्तों, ये मेडिसिन हेडेच यानी आपके सिर दर्द की समस्या में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, यानी कि आपका आधा सिर दर्द बना हुआ है, तो वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। साथ ही साथ आप अगर किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हों, उसके बाद आपका शरीर क्या होता है, खोखला हो जाता है, यानी कि आपको अंदर से एनर्जी फील नहीं होती है और आपका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। अब इसके डोजेस की बात करते हैं, तो दोस्तों इसका हमें मदर टिंचर फॉर्म यूज़ करना है। आपको इसको आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद यूज़ करना है, दिन भर में 3 बार। दोस्तों, ये मेडिसिन आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। दोस्तों, इस मेडिसिन को आपको कम से कम 6 महीने तक यूज़ करना है, आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी मेडिसिन लेने के पहले आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।